लावड़ा नोच के लेंगे एकदम। तो ये रहा भाई जो हमने शालीमार से पैक कराया था, ये है बड़ा, ये है इडली, इसका चटनी, सांभर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए रेल सफ़र में। और आज की सफ़र हमारी होने वाली है पश्चिम बंगाल के शालीमार रेलवे स्टेशन से, और जो कि होने वाला है उड़ीसा के पुरी जंक्शन के लिए। और ये सफ़र हम लोग करने वाले हैं धौली एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12521, जो कि हफ्ते के सातों दिन चलता है अपने शालीमार से 9 बजे, सुबह के 9 बजे चलता है। चलिए, ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, किसी प्लेटफॉर्म पर लगा होगा या फिर लगेगा तो हम आपको दिखाते हैं ये शानदार जर्नी। और भाई, कोलकाता शालीमार के बाहर से ही हमने इडली पैक करवा लिया और बिसलेंडी की 2 लीटर की बोतल भी ले लिया है। चलिए रास्ते में आपको दिखाएंगे इडली। शालीमार देखिए, काफ़ी खाली खाली रेलवे स्टेशन है, और साफ़ सुथरा के मामले में देखते हैं, साफ़ सफाई तो यार कम ही लग रहा है यहाँ पे। और ये मेन एंट्रेंस से एंट्री करते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ गए भाई हम लोग। काफ़ी बेहतरीन रेलवे स्टेशन है। तो भाई, हमारी ट्रेन संट हो रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे WDG 4G के साथ। तो ये रहा धौली का डीजल रेल इंजन। धौली एक्सप्रेस, देखिए काफ़ी लोग दौड़ रहे हैं यार। इसमें काफ़ी भीड़ होगी क्या आज? काफ़ी भीड़ बढ़ गया भाई, देखिए आप लोग भीड़ देख रहे हैं इस ट्रेन में। ये सेकंड सीटिंग है, और इसमें सेकंड सीटिंग नहीं, सॉरी, ये जनरल कंपार्टमेंट है, सेकंड सीटिंग का भी सीट है इसमें, जो बुक होता है इसमें। देखिए लड़ाई हो रहा है सीट के लिए। चलिए भाई, चल पड़ी हमारी ट्रेन कोलकाता के शालीमार रेलवे स्टेशन से। साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंदर आता है ये, एक तरह से टर्मिनल टाइप का रेलवे स्टेशन है दोस्तों, क्योंकि इसके आगे एक हुडली रिवर है और उसके आगे कोई ट्रेन नहीं जाता है। यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाई जा रही है भाई, एक वो देखिए कैसे जाल की तरफ फैला हुआ है, वो तीसरी टंकी बनाया जा रहा है। और यहाँ पे मैं भी शायद चौथी टंकी के लिए, ये सामने वाला पता नहीं क्या बोरी से घेर किया है। और काफ़ी हैवी टर्न पे हमारी ट्रेन, देखिए आप लोग। देखिए ये लोकल जा रही है हावड़ा की तरफ, और वही लाइन है हावड़ा की तरफ से आ रही है। तो हमारी ट्रेन पहुंच रही है अब संतरागाछी। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी चढ़ने वाले लोग हैं। ध्यान ना, पीछे पूरा खाली है। तो भाई, मात्र 4 किलोमीटर की जर्नी कवर करके अब हमारी ट्रेन धौली एक्सप्रेस आ चुकी है संतरागाछी, जो कि इस ट्रेन का ये फर्स्ट हॉल्ट है। और संतरागाछी 6 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SRC। और भाई, धौली एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम पता है क्यों है? क्योंकि उड़ीसा का एक पर्वत है, पहाड़ है धौली, उसी के नाम पे ये धौली एक्सप्रेस है। ये भाई, निकल पड़ी हमारी ट्रेन एकदम राइट ऑन टाइम 9:32 पे संतरागाछी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। आप लोग डिपार्चर देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त चेकिंग चल रही है भाई, आप लोग बिना टिकट के कभी ना आए। Yeah.
और देखिए इस मुस्लिम महिला से क्या पूछताछ की जा रही है। होगा कोई कन्वर्सेशन। और ये हमारे ट्रेन का अब कंडीशन हो गया संतरा गाछी के बाद। क्या हो गया सीट के लिए, कहीं नहीं ना कुछ हो रहा है? चलिए हम अपनी सीट पर बैठते हैं, नहीं तो कोई ना कोई आ ही जाएगा। और ये देखिए संतरा गाछी का है लोको शेड, जहाँ पे बहुत सारी का लोकोमोटिव रहेगा। ये जैसे कि देखिए WAP 7 का लिस्ट चल रहा है, तो तीन ठो बैग 7 ही देखिए। ये आ रही भाई रानी सिरो अत्रा से हावड़ा के बीच में चलने वाली रानी शिरोमणि। और साथ ही साथ आप लोग देखिए स्किप, ये चेंगुल की स्किप कर रहे हैं। और ये जो हमें क्रॉस करके गया है ना, ये है स्टील एक्सप्रेस जो चलता है भाई टाटा नगर से हावड़ा के बीच में। और फिलहाल ये आप लोग स्किप देखिए चेंगुल का। पुणे संतरागाछी एक्सप्रेस देखिए हमारी ट्रेन जा रही ब्रिज पे। हमारी ट्रेन खड़गपुर पहुंचने वाले, लेकिन उससे पहले आप लोग देखिए कौन सी ट्रेन के साथ हमारी क्रॉसिंग हो रही है। तो ये है भाई जन शताब्दी एक्सप्रेस जो भुवनेश्वर से चलता है हावड़ा के बीच में। और यही ट्रेन 2 बजे रिटर्न बैक होगा हावड़ा के लिए, सॉरी भुवनेश्वर के लिए रिटर्न बैक होगा हावड़ा से। और फिलहाल हमारी ट्रेन पहुँच रही है खड़गपुर जंक्शन। हाँ तो भाई हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है खड़गपुर जंक्शन, जंक्शन की प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और ये है इस ट्रेन के मैनेजर सर जो कि चेंज हो गए यहाँ पे। और भाई साहब इतनी तेज़ धूप है क्या बताएं, 11 बज रहा है। वैसे इसका यहाँ पे आने का टाइम था 10:50 और 10 मिनट की डिले के साथ आया है, यानी कि 11 बजे आया हमारा ट्रेन और 5 मिनट इसका निकलने का टाइम हो गया और 5 मिनट रुका है। हमारे ट्रेन का भी सिग्नल हो गया जो कि गार्ड सर वहां से सीटी बजा चुके हैं। और ये काफ़ी लंबे प्लेटफॉर्म में 4th नंबर पे है। फिलहाल हमारी ट्रेन अब निकल रही है, आप लोग डिपार्चर देखिए। तो भाई हमारी ट्रेन अब पहुंच रही है भद्रक। तो भाई 290 किलोमीटर की जर्नी कवर करके अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है भद्रक।
और जिसका स्टेशन कोड है BHC। और यहाँ आने का टाइम था 2:08, जबकि यहाँ पे आया है 15 बिफोर के साथ। काफ़ी देर रोकेगा यहाँ पे। भद्रक जो है भाई हमारे जर्नी का 8वां हॉल्ट है और इस ट्रेन को टोटल 13 हॉल्ट कवर करनी है। इतने खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम रंग पेंट करके एकदम मेंटेन कर दिया गया, गजब साफ सुथरा है यार। हम तो अंदर आ गए, ये जो देख रहे हैं भीड़ आप लोग, ये ज़्यादा दूर के लिए हमारे साथ पूरा पूरी तक नहीं जाएंगे, कुछ लोग कटक उतर जाएंगे, कुछ लोग भुवनेश्वर तक ही जा पाएंगे। भद्रक जो है भाई दोस्तों वो डेली 129 ट्रेनों को हैंडल करता है और यहाँ से 6 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट करती हैं, ये इसका डेली का रूटीन है। तो ये रहा भाई जो हमने शालीमार से पैक कराया था, ये है बड़ा, ये है इडली, इसका चटनी सांभर, चलो खाते हैं। तो पहुंच रहे हैं दोस्तों हमारे ट्रेन अब कटक। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कटक रेलवे स्टेशन और यहाँ उतरने वालों की संख्या देखिए आप लोग, यहाँ लगभग 40% इस ट्रेन को खाली कर देंगे और भुवनेश्वर पे भी ये संख्या काफ़ी ज़्यादा, उस डोर पे भी उतरने वाले हैं। तो भाई हमारी ट्रेन अब आ चुकी है कटक, जो कि उड़ीसा का एक बहुत ही मेजर रेलवे स्टेशन है और मेजर डिस्ट्रिक्ट भी है और यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया भी है, कई सारे फैक्ट्रीज़ वगैरह है, रिफाइनरीज फैक्ट्रीज़ है। और ये यहाँ तक की जर्नी हम लोगों ने कवर कर लिया है 406 किलोमीटर की, 5 प्लेटफॉर्म के ये अपना रेलवे स्टेशन कटक, जिसके प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आके लगी हमारी ट्रेन और गार्ड साहब ने विसल फायर कर दिया तो सारे के सारे लोग चढ़ना शुरू कर दिए वापस फिर से। आपको बता दें तो कटक का स्टेशन कोड है CTC। देखिए सर अभी तक झंडा लहरा रहे हैं। देखिए भुवनेश्वर अराइवल आप लोग, और इसके दीवार पे देखिए खूबसूरत पेंटिंग किया गया है। यहाँ पे और सारे पब्लिक हमारे ट्रेन से खाली हो जाएंगे। चार सौ 34 किलोमीटर की जर्नी कवर करके अब हमारी ट्रेन आ चुकी है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पे और आप सभी का भुवनेश्वर पे स्वागत है और इसका स्टेशन कोड है BBS। और यहाँ के बाद हमारी ट्रेन मात्र खुर्दा पे एक रुकेगी, उसके बाद सीधा पूरी भुवनेश्वर। दोस्तों 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन और ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 ही है जिस पे आई हमारी धौली एक्सप्रेस। तो भाई हमारे ट्रेन का डिपार्चर हो गया भुवनेश्वर जंक्शन से और इस साइड कोई ट्रेन खड़ी है, ये देखते हैं कौन सी ट्रेन है। ये है दोस्तों भुवनेश्वर सिकंदराबाद एक्सप्रेस। Thank you.
खुर्दा रोड, यहाँ से हम लोग टर्न ले लेंगे लेफ्ट, जो कि पूरी की तरफ टर्न ले लेंगे। चलिए वो राइट, वो लेफ्ट टर्न भी दिखाते हैं हम आपको, और सीधा चला जाएगा विशाखापट्टनम की तरफ। देखिए हम लोग घूम गए हैं और ये है पूरी से आ रही है अपनी ट्रेन, बंगिरी रोपोसी जा रही है, और वो लाइन देख रही है सीधे, वो चला जाएगा विशाखापट्टनम। चलिए टर्न दिखाते हैं, टर्निंग। ये देखिए अमेजिंग कार, पूरे रास्ते भर टाइम से लाया है भाई, लेकिन यहाँ पे जो मालतीपटपुर है, पूरी से जस्ट एक स्टेशन पहले, 5 किलोमीटर पहले, खुर्दा तक तो पूरा टाइम से लाया है, 1.5 घंटे से रोका ये ट्रेन, हद कर दिया भाई। कई ट्रेनों को पास कर दिया, कई ट्रेनों के साथ क्रॉसिंग भी कर दिया, रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे वैसे हम, क्योंकि फाइनली हम पहुँचने वाले, ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो जाता इसलिए। देखिए दुर्गपुरी भी हमसे लग रहा है पहले निकल जाएगा, क्योंकि ये जाके पूरी से अभी दुर्ग के लिए रवाना होना है इसको, और हमारी ट्रेन गजब लेट कर रहा है महाराज। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं 1 घंटा 45 मिनट की डिले के साथ पुरी जंक्शन, और पुरी भाई चार धामों में से एक श्री जगन्नाथ पुरी, फेमस है काफ़ी मंदिर वहां का, और समुद्र का बीच ऑसम व्यू आता है वहाँ से देखने पे, मज़ा आ जाता है घूमने। मौका मिलेगा तो हम जाएंगे सुबह घूमने आपके लिए, और दिखाएंगे किसी जर्नी में, हो सकता है यहाँ से जब निकलेंगे तो किसी जर्नी में। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये धौली एक्सप्रेस की जर्नी शालीमार से पूरी तक ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, फिर मिलते हैं किसी नई जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।